दोस्तों, अगर आप अपने एंड्रॉयड सिस्टम पर टाइटेनियम बैकअप यूज़ करते हैं और आपको ऐसा प्रॉब्लम देखने को मिलता है, जैसे कि मैं जब भी टाइटेनियम बैकअप को ओपन करता हूँ ये ऑटोमेटिकली क्लोज हो जाता है और यहाँ पर कोई भी एरर शो नहीं होता है, तो इसका सिर्फ एक ही सॉल्यूशन है जो मैं आपको इस वीडियो में बताऊँगा। अगर आप अपने एंड्रॉयड सिस्टम पर टाइटेनियम बैकअप यूज़ करते हैं, इसका मतलब है कि आपका सिस्टम रूटेड है, आपके सिस्टम में सुपर एसयू या फिर मैजिस्क मैनेजर होना ही चाहिए। यदि आपके सिस्टम में रूट एक्सेस नहीं है तो ये प्रॉब्लम आपका सॉल्व नहीं हो पाएगा। जैसे कि मैं आपको यहाँ पर दिखा देता हूँ, मेरे सिस्टम में मैजिस्क मैनेजर है, तो हम इसका इस्तेमाल करके टाइटेनियम बैकअप के इस एरर को फिक्स करेंगे। इसे अब हम मिनिमाइज कर देते हैं। आपको प्ले स्टोर से एक एप्लीकेशन डाउनलोड करना है जिसका नाम है रूट मैनेजर। यदि आप चाहे तो ES फाइल एक्सप्लोरर या फिर मिक्सप्लोरर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन मैंने यहाँ पर रूट फाइल एक्सप्लोरर का यूज़ किया है जिसका नाम है फाइल एक्सप्लोरर रूट ब्राउज़र। इसके डेवलपर का नाम है जे रमी एप्स। इस एप्लीकेशन का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आप सिंपली इस एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं। ये जो फाइल एक्सप्लोरर रूट ब्राउज़र है, इसको ओपन कर लेना है। आपसे कुछ परमिशन मांग के जाएंगे, इसको अलाउ कर देना है। फिर आपसे रूट परमिशन भी मांगा जाएगा। यहाँ पर आप इसको अलाउ वंस भी कर सकते हैं या फिर टाइम भी सेट कर सकते हैं। मैंने यहाँ फॉरएवर पर सेट करके ग्रांट पे क्लिक कर दिया है, जिससे कि ये जो एप्लीकेशन है इसको रूट परमिशन मिल जाएगा। फिर आपको यहाँ पर रूट डायरेक्टरी में आना है। रूट डायरेक्टरी में जाने के लिए आपको ये 3 स्लैंटिंग लाइन्स पर क्लिक करना है, फिर यहाँ से रूट डायरेक्टरी को ओपन कर लेना है। यहाँ पर आपको एक डेटा का फोल्डर दिखाई देगा, इसको ओपन कर लेना है। फिर यहाँ पर एक और डेटा का फोल्डर दिखाई देगा, इसको भी ओपन कर लेना है। फिर आपको यहाँ पर एक स्टेप करना है, ये जो टाइटेनियम बैकअप है, फिर आपको ऐप इन्फो के अंदर यहाँ पर आ जाना है। यहाँ पर इस APK का नाम मिल जाएगा, इस APK का नाम है com.keramidas.titaniumbackup। वहाँ पर आपको ये फोल्डर सर्च करना है, फोल्डर का नाम है com.keramidas.titaniumbackup। तो हम उस फोल्डर पर आ जाएंगे। यहाँ पर टाइटेनियम बैकअप के दो फोल्डर्स दिखाई देंगे, ये दोनों फोल्डर को डिलीट कर देना है। फोल्डर्स को डिलीट करने से पहले आपको ये जो टाइटेनियम बैकअप है इसको अनइंस्टॉल कर देना है। यदि आप इस एप्लीकेशन को अनइंस्टॉल नहीं करते हैं तो वो फोल्डर फिर से क्रिएट हो जाएंगे, इसीलिए आपको सबसे पहले एप्लीकेशन को अनइंस्टॉल करना है। फिर इस रूट ब्राउज़र में वापस आ जाना है और यहाँ से इन दोनों फोल्डर्स को डिलीट कर देना है। ये फोल्डर्स यहाँ पर शो होंगे। यहाँ पर आपको फिर से बैक करना है, फिर से डेटा के अंदर आ जाना है, फिर से आपको सर्च करना है कि वो फोल्डर्स यहाँ पर है कि नहीं। यहाँ से वो फोल्डर्स डिलीट हो गए हैं। आप यहाँ सर्च कर सकते हैं, आपको यहाँ पर वो फोल्डर नहीं दिखाई देगा। अब इसको क्लोज कर देना है। फिर से आपको प्ले स्टोर में आ जाना है और यहाँ से टाइटेनियम बैकअप को इंस्टॉल कर लेना है। ये एप्लीकेशन का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहाँ से इस एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर सकते हैं। अब हम इस एप्लीकेशन को ओपन कर लेंगे। और दोस्तों, ये एप्लीकेशन ओपन हो गया है। यहाँ पर भी आपसे रूट का परमिशन मांगा जाएगा। मैंने यहाँ पर फॉरएवर पर सेट करके ग्रांट पर क्लिक कर दिया है। अब आपको यहाँ ओके पर क्लिक करना है और फिर ओके पर क्लिक कर देना है और आप फिर टाइटेनियम बैकअप को यूज़ कर सकते हैं। टाइटेनियम बैकअप को यूज़ कैसे करना है मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पर आपको बैकअप एंड रिस्टोर दिखाई देगा, इस पर आ जाना है। फिर यहाँ पर क्लिक टू एडिट फिल्टर का एक ऑप्शन है, इस पर क्लिक करना है। ये जो एक सिस्टम का ऑप्शन है इसको डिसलेक्ट कर देना है, फिर से राइट पर क्लिक कर देना है। दोस्तों, ये स्टेप बहुत ही ज़रूरी है क्योंकि आपके जो सिस्टम के एप्लीकेशन हैं वो आपके सिस्टम में हमेशा रहेंगे, वो आप डिलीट नहीं कर सकते। ये जो आपके यूज़र एप्लीकेशन है, आप इन्हीं एप्लीकेशन को बैकअप करना चाहेंगे। सारे एप्लीकेशन को बैकअप करने के लिए सर्च के राइट साइड में एक ऑप्शन है, इस पर क्लिक करना है। फिर यहाँ पर आपको ऑप्शन दिखाई देगा, बैकअप ऑल यूज़र ऐप प्लस सिस्टम डेटा। यदि आप बैकअप ऑल यूज़र ऐप्स पर क्लिक करते हैं तो आपका सिर्फ APK ही बैकअप होगा, जो आपका डेटा है वो बैकअप नहीं होगा।
तो आपको बैकअप ऑल यूज़र ऐप्स प्लस सिस्टम डाटा पर ही क्लिक करना है, जिससे कि आपका एप्लीकेशन तो बैकअप होगा, साथ में उसका जो डेटा होता है वो भी बैकअप हो जाएगा। जैसे कि अगर आप कोई गेम खेलते हैं कैंडी क्रश या फिर क्लैश ऑफ क्लैंस, तो वहाँ पर आपको बार बार एप्लीकेशन डाउनलोड करके उसको रिस्टोर नहीं करना होगा, आपका यहाँ पर एक ही स्टेप में पूरा एप्लीकेशन प्लस डेटा बैकअप हो जाएगा। यहाँ पर आपको बैकअप ऑल यूज़र ऐप्स प्लस सिस्टम डाटा पर क्लिक करना है। फिर आप जितने एप्लीकेशन को बैकअप करना चाहते हैं वो सारे एप्लीकेशन को सेलेक्ट कर लेना है। बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पर सारे एप्लीकेशन सेलेक्टेड रहेंगे। आप जिन एप्लीकेशन को बैकअप करना चाहते हैं वो एप्लीकेशन को यहाँ से सेलेक्ट कर लेना है। ये जो हिल क्लाइंब है इसे मैं सबसे पहले ओपन कर लेता हूँ वेरीफाई करने के लिए। स्टेटस को आप यहाँ पर देख सकते हैं, मैंने सारे कार्स को अनलॉक कर दिया है, मैक्सिमम कार्स, और यहाँ पर सारे स्टेजेस भी अनलॉक हैं। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसको बैकअप करेंगे हिल क्लाइंब को। ये बैकअप होने में थोड़ा समय लग सकता है, आपको यहाँ पर बैक नहीं करना है या फिर इस टाइटेनियम बैकअप एप्लीकेशन को क्लोज नहीं करना है। ये आपके सिस्टम पर डिपेंड करता है कि आपका बैकअप स्पीड कितना होगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये बैकअप कंप्लीट हो चुका है। अब हम यहाँ पर आएंगे और इस एप्लीकेशन को अनइंस्टॉल कर देंगे। फिर से हम टाइटेनियम बैकअप एप्लीकेशन को ओपन कर लेते हैं और बैकअप रिस्टोर वाले टैब पर आ जाएंगे। यहाँ पर आपको फिर से सर्च के राइट साइड वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। फिर यहाँ पर आप नीचे स्क्रॉल करेंगे तो आपको रिस्टोर का एक ऑप्शन मिल जाएगा। यहाँ पर आपको रिस्टोर मिसिंग ऐप्स प्लस ऑल सिस्टम डाटा पर क्लिक करना है। अगर आप रिस्टोर ऐप्स विद डाटा पर क्लिक करते हैं तो जो वो एप्लीकेशन का सिस्टम डाटा होता है वो रिकवर नहीं हो पाएगा। तो आपको क्या करना है, रिस्टोर मिसिंग ऐप्स प्लस ऑल सिस्टम डाटा पर क्लिक करना है। जितने भी एप्लीकेशन आपने बैकअप किए होंगे उसका लिस्ट यहाँ पर आ जाएगा। फिर आपको वो ऐप्स को सेलेक्ट या फिर डिसलेक्ट कर लेना है। जिस एप्लीकेशन को आप रिस्टोर करना चाहते हैं वो सब एप्लीकेशन को सेलेक्ट कर लेना है। फिर यहाँ राइट वाले ऑप्शन पर प्रेस कर देना है। अब ये एप्लीकेशन रिस्टोर करने का प्रोसेस स्टार्ट हो गया है। आपके स्क्रीन पर इंस्टॉल करने का ऑप्शन आएगा, इंस्टॉल पर क्लिक करना है। फिर ये एप्लीकेशन इंस्टॉल हो जाएगा। मैं यहाँ पर कोई भी स्टेप को स्किप नहीं करूँगा कि आपको अच्छे से समझ में आ जाए कि आपको कैसे प्रोसीजर फॉलो करना है। यहाँ पर आपको एक बात का ध्यान देना है, ओपन पर क्लिक नहीं करना है, आपको सिंपली बैक पर प्रेस करना है। जैसे ही आप बैकअप पर प्रेस करेंगे रिस्टोर होना स्टार्ट हो जाएगा और इंस्टेंटली रिस्टोरेशन कंप्लीट हो जाएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं बैच रिस्टोर फिनिश। अब आपको क्या करना है, ये एप्लीकेशन को क्लोज कर देना है और हिल क्लाइंब आपके सिस्टम में आ गया होगा। अब आप इसको ओपन कर लेंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं जैसे मैंने गेम को पहले प्ले किया था वैसा ही गेम का डेटा यहाँ पर है। यदि आप इस एप्लीकेशन को अनइंस्टॉल करके प्ले स्टोर से इंस्टॉल करते हैं तो वहाँ पर आपका जो कॉइन और डायमंड होता है वो ज़ीरो हो जाता है। तो आप इस तरह से कोई भी एप्लीकेशन को बैकअप करके रिस्टोर कर सकते हैं, जो आपका प्रोग्रेस होगा वो लॉस नहीं होगा। यदि आप मल्टीपल रोम्स को यूज़ करते हैं तो आपको यहाँ पर बैकअप और रिस्टोर करने में बहुत ही आसानी होगी, जिससे कि आपका टाइम बच जाएगा। साथ ही में आप अपने मोबाइल या फिर इंटरनेट का डेटा भी सेव कर सकते हैं। आपको यहाँ पर ध्यान देना है, कुछ एप्लीकेशन यहाँ पर रिस्टोर नहीं हो पाते हैं, मैंने पहले भी ट्राई किया है, जैसे कि फ़ोन पे एप्लीकेशन रिस्टोर नहीं हो पाता है। यदि आप उस एप्लीकेशन को रिस्टोर करने का ट्राई करते हैं तो वो एप्लीकेशन ओपन नहीं होता है। दोस्तों ऐसे कुछ एप्लीकेशन हैं जिनको आप बैकअप एंड रिस्टोर नहीं कर सकते हैं, तो इसका ऐसा कोई भी सलूशन नहीं है। वो एप्लीकेशन को आपको क्या करना है, प्ले स्टोर से इंस्टॉल करके रिस्टोर कर लेना है। यदि ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगा हो तो ज़रूर से वीडियो को लाइक कर देना। साथ में ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। जो आपके फ्रेंड्स हैं उनको भी इस एप्लीकेशन के बारे में पता चले इसीलिए इस वीडियो को शेयर कर देना। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।